हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए, भारत के भूगोल में मैं अलग अलग टॉपिक ला रही हूँ अलग अलग दिन में। तो हमने पिछले वीडियो में मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन पढ़ा था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बंदरगाह। भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं और कौन कौन से बहुत इम्पॉर्टेंट बंदरगाह हैं, आज हम भारत में बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, भारत में जो बंदरगाह है, देश की मुख्य स्थित भूमि जो है उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो बंदरगाह है। जैसे 5600 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर 13 बड़े बंदरगाह हैं और 185 मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा है, 13 बड़े बड़े हैं और 185 मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण सीधा केंद्र सरकार के हाथ में होता है, उनका नियंत्रण और प्रबंधन, और जबकि छोटे बंदरगाहों का जो और मध्यम बंदरगाह है, संविधान की समवर्ती सूची में इसको सम्मिलित किया गया है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। देखिए, अब हम 13 बड़े बंदरगाह एक बार भारत के नक्शे में देख लेते हैं, उसके बाद हम इनकी डिटेल देखेंगे। तो देखिए, कांडला, फिर है मुंबई। हम पश्चिमी छोर से शुरू कर रहे हैं। पहला बड़ा बंदरगाह कांडला गुजरात में है, फिर मुंबई, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये भी बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में है, फिर है मार्मागोवा, ये भी महाराष्ट्र में, न्यू मैंगलोर, उसके बाद आता है कोच्ची, कोच्ची के बाद वीआर चिदंबनार, या जिसको कि हम पहले तूतीकोरन कहते थे, फिर है चेन्नई, नौवें नंबर पे है एन्नौर, दसवें पे विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार में है। देखिए, ये तो है 13 बड़े बंदरगाह, और अब इनकी हम थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं 13 बंदरगाहों की। तो पहला है कांडला, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, और इसका में जो है सरकार ने प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया 4 अक्टूबर 2017 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दिया गया, और इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है ना। तो देखिए, एक इन्फॉर्मेशन और मिली, कांडला बंदरगाह जो हम अभी भी कांडला पोर्ट के नाम से ही जानते हैं, इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। फिर है मुंबई बंदरगाह, यह देश का सबसे बड़ा और वर्ष पर्यंत खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह है। समुद्र है पूरा का पूरा, और जो कि एक, देखिए एक फिर नई चीज़, सालसेट द्वीप पर स्थित है, और यहाँ मुख्यतः सूती वस्त्र, कपड़े, ऊनी कपड़े जो हैं, चमड़े के सामान, पेट्रोलियम, मैग्नीज, मशीन, इंजीनियरिंग आदि सामान का निर्यात किया जाता है, और यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। एक और क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? अगर चार ऑप्शन में आपको मुंबई मिलता है तो मुंबई उत्तर है। फिर है नहावा शेवाया, इसको कहते हैं न्यू मुंबई, इसका नया नाम जो है अब ये भी बदल गया, न्यू मुंबई भी बदल के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है, और यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने हेतु न्यू मुंबई शैली में विकसित किया गया है। देखिए, मुंबई की लाइफ जो है बहुत भाग दौड़ वाली है, बस इसी को ध्यान में रखते हुए जो पुराना मुंबई बंदरगाह था उसके भार को कम करने के लिए इसका स्थापना हुई। इसे वर्ष 1988-89 में देश का 12वां बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। फिर अगला आता है मार्मागोवा, और ये गोवा के ज्वारी नदी की एस्चुरी में स्थित बंदरगाह है, और इसको 1970 में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह निर्यात आधारित बंदरगाह घोषित किया गया, क्योंकि यह पूर्व में जापान को लो अयस्क का निर्यात यहीं से होता था, लेकिन आजकल वर्तमान में मैग्नीज, सीमेंट, उर्वरक, कॉफ़ी, नारियल, काजू, नमक, खनिज नमक आदि भी यहाँ से निर्यात होते हैं। फिर अगला है न्यू मंगलोर, ठीक है, ये मार्मागोवा और कोच्ची के मध्य में कर्नाटक में स्थित है, और यह आकार में जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है हम देख, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ से लो अयस्क जो है समुद्र की कद्रेमुख खान से निकलता है, कर्नाटक की कद्रेमुख खान से निकलता है, और यहाँ से निर्यात होता है ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लो अयस्क लकड़ी, मछली, चंदन आदि का तेल, चंदन का तेल आदि ये चीज़ें निर्यात होती। फिर है छठा कोच्ची, कोच्ची जो है
भीमनाथ क्याल, जिसे अब अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक और नया क्वेश्चन, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से कौन जाना जाता है, दैट इज कोची। कोची के इस जो है भीमनाथ क्याल, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है और उसके मुहाने पर ये कोची जो पत्तन है, पत्तन यानी कि बंदरगाह, एक प्राकृतिक बंदरगाह जैसे कि मुंबई है, इस पत्तन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास स्थित होने का भी लाभ है। पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। देखिए फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, इसको कोची को, केरल के मालाबार तट के कौन से द्वीप पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप, और यह बंदरगाह जो है वर्ष भर खुला रहता है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माण शाला और पेट्रोलियम शोधन शाला स्थापित की गई। यहीं पर जलयान यानी कि शिप बनाए जाते हैं और पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। फिर है तूतीकोरन, ठीक है। अब तूतीकोरन जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और वो भारत के दक्षिणी पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में स्थित है। 27 जनवरी 2011 को तूतीकोरन पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। श्री वीओ चिदंबरम पिल्लई ने 1906 में प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा तूतीकोरन से कोलंबो के बीच में शुरू की गई थी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट। फिर है अगला बंदरगाह चेन्नई। चेन्नई जो है बहुत पुराना बंदरगाह है, प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक है और यह कृत्रिम बंदरगाह है और इसे 1875 में बनाया गया था। तट पर पानी की कमी के कारण क्या है कि पहले बड़े जलयान यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, इसलिए इसको कृत्रिम रूप से गहरा किया गया और अब यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लोह अयस्क, मैगजीन, अभ्रक, कोयला, मशीनें, सूती और रेशमी कपड़े, चमड़ा, रबड़, तंबाकू, तेल, हल्दी आदि का आयात निर्यात किया जाता और यह मुंबई के बाद देश का दूसरे नंबर का, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई, पहला मुंबई फिर चेन्नई, ठीक है ना। इसके बाद है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये काकीनाडा तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित बंदरगाह है और ये जो है किस काम का है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पोत निर्माण और मरम्मत उद्योग यहाँ स्थापित किया गया है। लोह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लकड़ी, कोयला, चमड़ा आदि का निर्यात और आयात यहाँ से किया जाता है और यह सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। देखिए येट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गहरा बंदरगाह किसे माना जाता है, विशाखापट्टनम को। फिर है पारादीप। यह ओडिशा राज्य में कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी के डेल्टा पर स्थित है। ये भी उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है पारादीप और इसका जो पोताश्रय है वो सबसे गहरा है और यहाँ से जापान को कच्चा लोहा निर्यात कर किया जाता है। मुख्यतः कच्चा लोहा जापान को यहीं से जाता है और यह निर्यात प्रधान बंदरगाह है। फिर है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। हुगली नदी के किनारे स्थित है जो कोलकाता बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका भी विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कोलकाता ही, देखिए हमने पिछले एक वीडियो में देखा था कि कोलकाता ही भारत का पूर्वी द्वार है जहाँ से व्यापार किया जाता था और यही पूर्वी द्वार का सबसे बड़ा बंदरगाह था। हल्दिया कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर स्थित है और यह पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह, एक नदीय पत्तन है। देखें नदी के मुहाने जो होते हैं वो छिछले होते हैं, इसलिए यहाँ पर पोर्ट जैसे कोलकाता तक शिप नहीं आ पाते थे तो यहाँ तक शिप आते हैं और ये एक ज्वारीय पत्तन है। इस बंदरगाह पर जल के स्तर को बढ़ाने के लिए फरक्का नामक स्थान पर एक कृत्रिम बांध बनाया गया है। देखिए मैंने कहा था नदी के मुहाने की वजह से छिछला है और इस यहाँ तक शिप आ पाए इसके लिए एक बांध बनाया गया है और फरक्का नाम है। आपको याद आ गया होगा फरक्का योजना, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पत्तन न्यास का पुनर्निर्माण नामकरण किया गया और इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास कर दिया गया। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
और अब देखिए, मैं भारत के नक्शे में आपको छोटे मोटे जो 185 बंदरगाह है वो बता देती हूँ। आप देखिए फटाफट से, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ कांडला से, गुजरात से लेके पूरा हल्दिया तक, किनारे 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 किनारे, ये लंबी 5600 किलोमीटर की जो तट रेखा है, इसके किनारे इतने सारे आपको दिख रहे, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये छोटे मोटे सारे बंदरगाह हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। और अब हम आते हैं हमारे अगले बंदरगाह, बंदरगाह नंबर 12 पे। हमारा अगला बंदरगाह है एन्नोर। यह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर में स्थित है और इसका परिचालन 2001 से शुरू हुआ और यह देश का सबसे बड़ा, देखिए येट अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट, कंप्यूटराइज बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। और देश का प्रथम पब्लिक कंपनी मिनी रत्न बंदरगाह है। यह देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है और यह चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 21 फरवरी 2014 को एन्नोर बंदरगाह का नामकरण बदलकर स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता के कामराज के नाम पर कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया। तो लगभग सारे बंदरगाहों के नाम बदले गए। इसके बाद हमारा आज का आखिरी बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, दैट इज इन अंडमान, और ये अंडमान की राजधानी भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को केंद्र सरकार ने 1 जून 2010 को बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। इससे देश के में बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या 13 हो गई है और इन बंदरगाहों का प्रबंधन मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे देश के 13 बड़े बंदरगाहों की संपूर्ण जानकारी है और इसके अलावा 185 छोटे बंदरगाह आपने भारत के नक्शे में देखे। और अब एक अगला हमारा जो पॉइंट वीडियो के अंत में हम देखते हैं कि महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2016 क्या है। देखिए ये महापत्तन से ही संबंधित है इसलिए इस वीडियो में इसको इंक्लूड करना बहुत आवश्यक है। 16 दिसंबर 2016 को महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2016 पेश किया गया। यह विधेयक महापत्तन ट्रस्ट अधिनियम 1963 को प्रतिस्थापित करेगा। विधेयक का उद्देश्य भारत में महापत्तनों के विनियमन, प्रचालन और नियोजन के लिए महापत्तन प्राधिकरणों का गठन करना है और साथ ही महापत्तन प्राधिकरणों को ऐसे बोर्ड में ऐसे पत्तनों को प्रशासन नियंत्रण और प्रबंधन को निहित करना और इससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का विनियम करना। यह विधेयक को चेन्नई, कोची, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मंगलौर, मार्मागोआ, पी के चिदम्बरम और विशाखापट्टनम बंदरगाह पर लागू होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। विधेयक में प्रत्येक महापत्तन पर महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का प्रावधान किस विधेयक में किया गया है? तो महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2016 इसका उत्तर है। और इसके अंतर्गत जो बोर्ड होगा उसमें कौन कौन होंगे? 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष होंगे। तो आज के वीडियो में आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इम्पॉर्टेंट लगेगी। अब बच्चों देखिए अगले वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। अगला वीडियो मेरा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और वो है सागरमाला परियोजना। तो चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।